हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक ड्यूटी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई दुकान है, चाहे आपका रिचार्ज दुकान हो, चाहे आपका राशन दुकान हो, चाहे कुछ भी दुकान हो, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं फ़ोनपे या गूगल पे से, तो वो फ़ोनपे और गूगल पे का जो QR कोड आता है आपने दुकान में देखा होगा या तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस टाइप का कोड को आप कैसे मंगा सकते हैं वो भी फ्री में। आपको एक पैसा खर्च नहीं होगा इसमें, ना ही आपको कोई एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत है इसके लिए। बस आपके पास होनी चाहिए क्या, एक स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं। और आपका कोई नंबर जो फोन पे से लिंक हो या तो गूगल पे से लिंक हो, साथ ही साथ वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो। अगर ये सारी चीज़ है आपके पास तो आप आसानी से इस चीज़ को मंगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये मंगाया था और मैं आपको अभी पूरा क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप इसे मंगा सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। और इसमें आपका पैसा भी आपके बैंक में तुरंत ट्रांसफर होगा, ऐसे नहीं कि ट्रांसफर होने में 10 दिन 20 दिन टाइम लगेगा। जैसे कोई पेमेंट किया, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने के तुरंत साथ ही साथ आपके वो बैंक अकाउंट पे आ जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करनी है। अगर जैसे मान लीजिए मुझे गूगल पे का मंगाना है तो यहाँ लिखना है आपको गूगल पे बिजनेस। ठीक है, गूगल पे बिजनेस लिखेंगे आप तो देखिए ये जो पहला है गूगल पे फॉर बिजनेस इजी पेमेंट्स मोर सेल्स, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको फ़ोनपे का करना है तो सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर लिखना है फ़ोनपे बिजनेस, फ़ोन पे बिजनेस। ठीक है, ये देखिए आ गया फ़ोन पे फॉर बिजनेस एक्सेप्ट ऑल डिजिटल पेमेंट्स। ये दोनों चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है। और अगर आप फ़ोन पे का इंस्टॉल करोगे तो देखिए आपका कुछ इस टाइप का फ़ोन पे का जो QR कोड स्कैनर है वो मिलेगा। और अगर आप गूगल पे का इंस्टॉल करते हो तो गूगल पे पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। इसका मैं दिखा देता हूँ, क्लिक इसका पिक्चर नहीं दिया हुआ है बट इसका आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा आपके पास आने वाली है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इसे ओपन कर लेना। चलिए मैं फटाक से ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद मेरा ऑलरेडी एक जुड़ा हुआ है पिंकी फास्ट फूड के नाम से। आप पहली बार इसे ओपन करोगे तो आपका कोई जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, आपको एक ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। ऐड न्यू बिजनेस यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। ऐड न्यू बिजनेस पर क्लिक करने के बाद फिर से ऐड न्यू बिजनेस करना है। यहाँ ऐड न्यू बिजनेस करने के बाद देखिए अब बिजनेस डिटेल्स मांगी जा रही है आपसे। यहाँ रजिस्टर बिजनेस नेम, शॉप नेम, टाइप्स ऑफ बिजनेस, यहाँ जो आप शॉप नेम जो लिखोगे वो शॉप नेम आपके क्या होगी जो QR कोड बंद कराएगी उस पर शो करेगी। ठीक है, रजिस्टर बिजनेस नेम आप यहाँ भी सेम दे सकते हो, दोनों जगह आप सेम दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ बिजनेस इसमें से आप कोई भी टाइप्स कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कोई मैंने जैसे कर दिया था तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया था, उसमें आपको कोई चेक करने के लिए कोई नहीं आएगा कि क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको MCC सिलेक्ट करना है, मतलब आपका कौन सा कैटेगरी पर आता है, इंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर स्टोर, फूड एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह जितने भी आता है वो सारे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ बिजनेस ऑनर्स नेम, यहाँ ऑनर्स नेम में आप अपना नाम दे सकते हैं, या तो जिसके नाम पे दुकान है या तो जो दुकान में बैठते हैं उसका नाम आप दे सकते हैं। इतना फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट भरनी है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या क्या भरना है। देखिए उसको भर लेने के बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी ये पिन कोड वगैरह डालने की। पिन कोड वगैरह क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपके लोकेशन पे वो डिलीवरी होगी, इसीलिए पिन कोड, शॉप नंबर, स्ट्रीट नेम। अगर आपका शॉप नंबर नहीं है तो स्ट्रीट नेम दे सकते हैं आप, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, विलेज, ये सब आप भर सकते हैं। ये भरने के बाद भी फिर आपको नेक्स्ट करनी है, तो चलिए मैं इसको भी भर के दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ आपको देखिए मैप पे भी कन्फर्म करने मांग रही है। ठीक है, मैप पे कन्फर्म हो गया तो इस पे आपको कन्फर्म करनी ही पड़ेगी मैप पे। ठीक है, यहाँ से कन्फर्म लोकेशन कर देनी है, लोकेशन कन्फर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट करनी है। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद देखिए बिजनेस मोबाइल नंबर मांगेगी, इस मोबाइल नंबर पे आपको वो मोबाइल नंबर भरना है जिस पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, आप उसे यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी, उस OTP को डाल देना है। देखिए जो मेरा नंबर मैंने दिया है OTP भर देनी है बस, उसके बाद आपको कुछ करनी नहीं है। उसके बाद क्या होगी ना आपके once 7 days लगेगी, 7 days के अंदर क्या होगी आपके पास वो जो उसका QR कोड स्कैनर है वो आ जाएगी, साथ ही साथ आपका दो अलग से स्टिकर मिलेगी और इस तरह से आप इसको
मंगा सकते हैं। एक पैसा आपको इसमें कुछ भी पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें आपको मैं दिखा दे तो अपना में से कि इसमें आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सी फास्ट पेमेंट करते हैं। फास्ट पेमेंट करने के बाद देखिए मैंने इतना पेमेंट लिया है तो ये पेमेंट तुरंत आ जाती है, ऐसा नहीं कि आपको बैंक में आने में लेट होगी, ये तुरंत 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 बैंक में आती जाएगी, ठीक है। जिस समय करेगा एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगती है आपका बैंक में आने के लिए। देखिए सारे बैलेंस वो है जो मैंने रिसीव किए हैं उसी QR कोड स्कैनर के थ्रू। और आप इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें दो मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे वो जैसे कोई पैसा पेड करता है तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि इन्होंने ये पैसा पेड किया है, तो आप उसमें चाहे तो दो तीन नंबर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है ना, वो आपको देखिए जिस जगह पे है उसमें क्लिक करना है, जो भी आपका अकाउंट बनाए पेमेंट सेटिंग पे आना है। पेमेंट सेटिंग पे आने के बाद यहाँ देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक SMS कंफर्मेशन लिखा हुआ है, ये SMS कंफर्मेशन में क्लिक करना है। यहाँ देखिए दो नंबर ऐड किया हुआ है, इसमें आप चाहे तो और तीन चार नंबर ऐड कर सकते हैं, ताकि क्या होगा ना जैसे कोई पैसा पेमेंट करेगा उसमें क्या होगा आपको वहाँ पर तुरंत मैसेज शो करने लगेगी, तो आप ऐसे ही इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोग एक छोटे से स्टेप को फॉलो करके अपने दुकान के लिए, चाहे मेरे पास कोई भी दुकान हो, आप इसको मंगा सकते हैं। और आप फ़ोनपे या गूगल पे दोनों में से किसी को भी चाहे तो मंगा सकते हैं, बट मेरा पर्सनलाइज अगर बात करें तो मुझे गूगल पे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गूगल पे का जो QR कोड है वो रखने के लिए जो दिया आया था बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिया रहता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ़ोनपे का एक अलग टाइप का रहता है बट गूगल पे का एक अलग तरह का रहता है। आप फ़ोनपे गूगल पे दोनों के स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आप इसमें से डिफरेंस देख सकते हैं जो कौन सा आपको बेटर लगेगा, बट मंगाने का प्रोसेस दोनों का सेम है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।